विवेकानंद सेवा मिशन परिवार की ओर से रविवार से शुरू हो रहे श्री गौ कथा के आयोजन से पहले मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर से एक भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कलश यात्रा शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए पुनः मुक्तेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर आकर सम्पन्न हुआ। इस संबंध में स्वामी डॉक्टर विनय ने बताया कि श्री गौ कथा के माध्यम से समाज को स्वस्थ पर्यावरण, कृषि एवं चरित्र की रक्षा पर बल दिया जाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के पुजारी महंत रामनाथ और स्वामी डॉक्टर विनय ने बताया। मैं स्वामी डॉक्टर विनय हूँ और मुझे ही यहाँ पर गौ कथा कहना है। हाँ, आज यहाँ पर गौ कथा का ऐसे आयोजन किया गया है विवेकानंद सेवा मिशन परिवार द्वारा। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पर गौ कथा का आयोजन आज से किया जा रहा है और इस कथा के शुरुआत में आज कलश यात्रा का यहाँ पर निकाली जा रही है। और इस कथा का जो उद्देश्य है ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इस कथा के माध्यम से हम स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि और चरित्र की रक्षा करेंगे। जिस कोरोना से पूरा समाज भयभीत है, एक वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, इस हमारी देसी गौ माता के गोबर, घी और चावल का जो यहाँ पर हवन किया जा रहा है, इस हवन से ऐसी गैसें निकलेंगी कि कोरोना का इससे भी भयंकर और इससे भी बड़ी स्तर की जो वायरस है, यह इसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। तो यह कथा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और कथा का मूल उद्देश्य है कि समाज से हम लोग जो है इस सारे जो आज समस्या का जड़ बनी हुई है ये वायरस, इसे पूर्ण रूप से समाप्त करना, इस उद्देश्य से यह कथा की जा रही है और इसी उद्देश्य से यह हवन कलश यात्रा का निर्माण किया। यह कथा 11 तारीख से आज से 13 तारीख तक चलेगा। रोज़ शाम 4 बजे से 7 बजे तक यह यात्रा निकलेगी और उसके बाद जो है यह कथा का यही 3 दिन चलेगा और रोज़ शाम 4 से 7 बजे तक यह गौ कथा होगी और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक यह यज्ञ होगा, जिसका उद्देश्य पूर्ण रूप से कोरोना को समाप्त करना है या इस तरह की जो वैश्विक महामारी है इससे हिंदुस्तान को निजात दिलाना है। रमानाथ महंत मुक्तेश्वर नाथ यहाँ पर गौ कथा करने जा रहे हैं। गौ कथा में कलश यात्रा हो रहा है। कलश यात्रा में कोविड का मतलब ध्यान रखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी पर कलश यात्रा किया जा रहा है। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर से निकल रहा है, बसंतपुर चौराहा होते हुए फिर वापस मंदिर में।